हेलो गाइस, वेलकम टू रियल का अपेक्स। एंड कैसे आप सब लोग। तो गाइस, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं नेक्सॉन फेसलिफ्ट के वेरिएंट्स के बारे में। जैसे कि फाइनली अभी कार लॉन्च हो चुकी है एंड इसके प्राइसेस भी अब आ चुके हैं, तो काफी लोगों के बीच में कंफ्यूजन हो गया कि इतने सारे मल्टीपल वेरियंट्स आ रहे हैं तो किस वेरियंट्स को लेना सही रहेगा एंड कौन सा वेरियंट्स का वैल्यू फॉर मनी वेरियंट रहेगा। तो आज की वीडियो में हम यही सब डिस्कस करेंगे एंड जानेंगे कि किस वेरिएंट को आपको लेना चाहिए एंड कौन सा वेरिएंट किस टाइप के कस्टमर के लिए सूट करता है एंड फाइनली देखेंगे कि कौन सा वेरिएंट इसका वैल्यू फॉर मनी है। तो गाइस, वीडियो में बने रहो और अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती है तो प्लीज इसको लाइक करना ना भूलें एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल ऑल्सो, बिकॉज आपके एक सब्सक्राइब और एक लाइक से हमें काफी मोटिवेशन मिलती है। तो गाइस, सबसे पहले बात करते हैं नेक्सॉन फेसलिफ्ट के बेस वेरिएंट यानी कि स्मार्ट के बारे में। तो सबसे पहले इसकी प्राइस की अगर मैं बात करूं तो ये कार आपको कॉस्ट करती है 8,09,990 एक्स शोरूम। ये इसका एक्स शोरूम प्राइस है और ऑन रोड आते आते ये कार आपको 9,10,000 एंड 9,20,000 की मिलती है। बात करें ये कार किन लोगों को लेनी चाहिए, तो जिन लोगों की रिक्वायरमेंट थोड़ी कम है, जिन लोगों का बजट थोड़ा टाइट है एंड जो लोग अपने बजट को एक्सीड नहीं करना चाहते वो इस बेस वेरिएंट की तरफ जा सकते हैं। ऑल्दो इसमें ज़्यादा फीचर्स आपको मिलेंगे नहीं, बहुत बेसिक फीचर्स के साथ ये कार आएगी। बात करें इस कार में मिलने वाले फीचर्स की, तो इस कार में आपको कुछ स्टैंडर्ड फीचर्स दिए गए हैं जैसे कि 6 एयरबैग, ESP एंड हील होल्ड आपको बेस वेरिएंट से ही मिल जाता है। इसके अलावा फ्रंट पावर विंडो आपको मिलेगी, रेयर में पावर विंडो आपको नहीं मिलेगी इस वेरिएंट में। कनेक्टिंग टेल लैम्प का फीचर सिर्फ टॉप मॉडल में दिया गया है, तो बेस में आपको वो भी नहीं मिलेगा, बट बेस में आपको LED टेल लैम्प जरूर मिलेंगे। एंड इसके अलावा ओवर VM भी इसमें आपको मैनुअली एडजस्ट वाले मिलेंगे, यानी ये जो ओवर VM है ये आपके जो पुराने नेक्सॉन आती थी वही वाले ओवर VM इसमें यूज किए गए। इसके साथ साथ इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर भी आपको पुरानी नेक्सॉन वाला इसमें देखने को मिलेगा एंड इंफोटेनमेंट सिस्टम भी आपको इस वेरिएंट में नहीं मिलेगा। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात, स्मार्ट जो आप बेस वेरिएंट लोगे तो बेस वेरिएंट में आपको 5 गियर ट्रांसमिशन ही मिलेगा गाइस। 6 गियर ट्रांसमिशन प्योर से स्टार्ट होता है इसका एंड अब नेक्सॉन कंपनी आपको बेस वेरिएंट में 5 गियर ट्रांसमिशन नहीं दे रही है, तो ये एक छोटा सा ड्रॉबैक है जिसको मैं मानूंगा, बिकॉज बेस वेरिएंट से पहले हमें नेक्सॉन में 6 गियर ट्रांसमिशन का ऑप्शन मिलता था, बट इस बार से कंपनी ने ये 5 गियर ट्रांसमिशन ही बेस में दिया है आपको, तो ये एक थोड़ा सा ड्रॉबैक है। और इस चीज़ को अगर पॉइंट को रखो, अगर अपने कंसिडर करो, तो बेस वेरिएंट मुझे थोड़ा इतना वैल्यू फॉर मनी नहीं लग रहा। तो वैसे अगर मैं बात करूँ इसके सब वेरिएंट यानी कि स्मार्ट प्लस की, तो स्मार्ट प्लस में आपको कुछ और एडिशनल फीचर्स मिल जाएंगे, जैसे कि इसमें आपको इंफोटेनमेंट सिस्टम मिल जाएगा, वही पुराना वाला इंफोटेनमेंट सिस्टम जो कि पंच नेक्सॉन में पहले आता था, सेम इंफोटेनमेंट सिस्टम आपको इसके स्मार्ट प्लस वेरिएंट में मिलेगा। इसके साथ साथ आपको ऑल 4 पावर विंडो के ऑप्शन मिल जाएंगे इसमें एंड जो ओवर VM भी होंगे ये इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल होंगे। सो गाइस, स्मार्ट प्लस एक ऐसा वेरिएंट है जिसको आप लोग कंसिडर कर सकते हो अगर आप लोग चाहते हो कि बाहर से आपकी गाड़ी में कोई इलेक्ट्रॉनिकली चेंजेस ना करवाया जाए, तो उस केस में आप स्मार्ट प्लस की तरफ जा सकते हो, बिकॉज इसमें आपको इंफोटेनमेंट सिस्टम भी मिल रहा है प्लस आपको इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल ओवर VM भी इस वेरिएंट में देखने को मिल रहे हैं। तो स्मार्ट प्लस एक अच्छा चॉइस हो सकता है, बेस वेरिएंट से जाने की बजाय आप स्मार्ट प्लस की तरफ जा सकते हो थोड़ा सा और बजट बढ़ा के। एंड बात करूँ स्मार्ट प्लस एस वेरिएंट की, तो स्मार्ट प्लस एस वेरिएंट में जो फीचर्स आपको एडिशनल मिल रहे हैं वो है ऑटो हेडलैम्प, वॉइस असिस्ट, इलेक्ट्रिक सनरूफ, रेन सेंसिंग, वाइपर, रूफ ट्रेस एंड टिंटेड रूफ लाइन। लेकिन उससे पहले बात कर लेते हैं कि स्मार्ट प्लस वेरिएंट आखिर में पड़ता कितने का है। तो स्मार्ट प्लस वेरिएंट की जो कॉस्ट आती है, जो इसका एक्स शोरूम प्राइस है, वो है 9,09,990 एंड यही कार आपको ऑन रोड आते आते 10-20 के अराउंड पड़ेगी। एंड बात करूँ स्मार्ट प्लस एस की, तो स्मार्ट प्लस एस की जो एक्स शोरूम कॉस्ट है वो 9,69,900 एंड ये कार आपको कॉस्ट करती है समवेयर अराउंड 10,84,500 ऑन रोड। सो ऑलमोस्ट 60,000 to 65,000 का डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा स्मार्ट प्लस एंड स्मार्ट प्लस एस में। बट स्मार्ट प्लस एस को मैं वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट नहीं मानता, उसका एक रीजन है, स्मार्ट प्लस एस वेरिएंट में भी आपको 5 गियर ट्रांसमिशन नहीं देखने को मिलता है, तो इस मेरे लिए ये एक वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट नहीं है। बात करूँ इसके नेक्स्ट वेरिएंट की, जो मेरे को लगता है मेरे हिसाब से बहुत ही वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट है, वो है इसका प्योर वेरिएंट। प्योर वेरिएंट की कॉस्ट की बात करूँ तो प्योर वेरिएंट एग्जैक्ट आपको सेम अमाउंट का पड़ता है जो कि आपको स्मार्ट प्लस एस के लिए देने होते हैं, यानी कि स्मार्ट प्योर वेरिएंट भी आपको 10,84,500 का मिलता है।
ऑन रोड। एंड इसमें आपको बेनिफिट क्या मिलता है, इसमें जो बेनिफिट आपको मिल रहा है, इसमें एक तो आपको 6 गियर ट्रांसमिशन मिल रहा है जो कि एक बहुत अच्छी चीज़ है। अगर आपकी ड्राइविंग सिर्फ सिटी में है तो शायद आपको वो 6 गियर कमी ना लगे, बट हाँ अगर आप हाईवे ड्राइविंग भी करते हैं तो वो 6 गियर की कमी आपको डेफिनेटली फील होने वाली है। तो मेरे हिसाब से प्योर वेरिएंट की तरफ बिल्कुल जाया जा सकता है, इसका वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट है। जितने भी वेरिएंट्स आप देख रहे हो, स्मार्ट टू फेयरलेस, ये जो वेरिएंट है प्योर, ये इसका वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट है। एंड इसकी तरफ तो आप बेझिझक जा सकते हो। बात करते हैं इसकी प्राइसिंग, तो मैंने आपको बता दी इससे मिलने वाले फीचर्स की। तो प्योर वेरिएंट में आपको जो जो चीज़ें मिलने वाली हैं वो है बाईफंक्शनल LED हेडलैम्प आपको इसमें मिल जाते हैं। इसके अलावा LED एक्स फैक्टर टेल लैम्प भी इसमें मिलेंगे आपको, व्हील कवर, रूफ रेस, रेयर AC वैन प्लस, उसके साथ साथ इंफोटेनमेंट सिस्टम भी आपको इस वेरिएंट में देखने को मिलेगा। इसके अलावा इसमें आपको न्यू इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखने को मिलेगा। ये टॉप मॉडल वाला इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर तो नहीं है, बट इसमें काफ़ी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। इसके अलावा बात करूँ तो इसमें आपको फॉलो मी हेडलैम्प और टिंटन रूफ लाइनर जैसे फीचर्स भी मिल जाएंगे। तो गाइस अब बात करते हैं इसके नेक्स्ट वेरिएंट प्योर एस की। तो सबसे पहले बात करता हूँ इस कार की प्राइसिंग की। तो ये कार आपको कॉस्ट करती है 10,19,990 एक्स शोरूम, और वहीं ऑन रोड आते आते इसके प्राइस हो जाते हैं 11,82,481। तो ऑलमोस्ट 1 लाख रुपए का डिफरेंस आता है आपके प्योर एंड प्योर एस वेरिएंट में। एंड प्योर एस वेरिएंट में जो आपको चीजें मिल रही है एडिशनल, वो है वॉइस असिस्ट, इलेक्ट्रिक सनरूफ, एंटी ग्लेयर IRBM, इसके अलावा ऑटो हेडलैम्प एंड रेन सेंसिंग वाइपर के फीचर्स आपको इस वेरिएंट में एक्स्ट्रा मिलते हैं। बट इन फीचर्स के लिए आपको 1 लाख रुपए एक्स्ट्रा पे करने पड़ेगा प्योर एस में। एंड मेरे हिसाब से अगर आपकी रिक्वायरमेंट है सनरूफ की तो आप इसका प्योर एस वेरिएंट देख सकते हो, ये भी एक वैल्यू फॉर मनी है वेरिएंट बनता है जिन लोगों को सनरूफ की रिक्वायरमेंट है। सो अब बात करते हैं ऐसे क्रिएटिव वेरिएंट की, एंड सबसे पहले देखते हैं इस कार की प्राइसिंग की। तो ये कार आपको कॉस्ट करती है 10,99,990 एक्स शोरूम, एंड वहीं ये कार ऑन रोड होते होते आपको बढ़ती है 12,74,425 के अराउंड। तो ऑलमोस्ट आप देख रहे हो काफ़ी डिफरेंस बन जाता है आपके प्योर एस एंड क्रिएटिव में। एंड क्रिएटिव में आपको जो जो चीज़ें एक्स्ट्रा मिल रही हैं वो हैं सिक्वेंशियल LED DRL, इसके अलावा अलॉय व्हील्स आपको इस वेरिएंट में देखने को मिलेगी, एंड इंफोटेनमेंट आप वाला मिलेगा। इसके साथ साथ 4 स्पीकर एंड 2 ट्विटर का ऑप्शन भी आपको इसमें मिलेगा। इसके अलावा पुश स्टार्ट स्टॉप बटन, रेयर वाइपर एंड वॉशर एंड फुली ऑटोमेटिक AC के ऑप्शन आपको क्रिएटिव से देखने को मिलेंगे। तो क्रिएटिव किन लोगों को लेना चाहिए, मेरे हिसाब से जिन लोगों को चाहिए फीचर्स अपनी कार में, एंड जो लोग चाहते हैं कि उनको अपनी कार में सारे फीचर्स मिले वो इस वेरिएंट की तरफ जा सकते हैं। बट इस वेरिएंट में फिर भी आपको जो मैं बता रहा हूँ, आपको जो इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता है वो इसका पुराना वाला ही मिलता है, आपको जो इसका न्यूली अपडेटेड 10.2 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम है वो नहीं मिलता है इस वेरिएंट में। तो अगर आप लगाना चाहते हो 12,74,000 तो आप ले सकते हो, बट मेरे हिसाब से मैं रिकमेंड नहीं करता इस वेरिएंट को। बट हाँ अगर आपको फीचर्स चाहिए तो उस केस में आप इस वेरिएंट की तरफ जा सकते हो। तो फीचर्स वाइज अगर देखोगे तो सारे अच्छे फीचर्स आपको इसमें मिल रहे हैं, एंड अगर आपको फीचर्स चाहिए कार में तो आप इस कार की तरफ, इस वेरिएंट की तरफ जा सकते हो। तो अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट वेरिएंट क्रिएटिव प्लस की, एंड सबसे पहले देखते हैं इस कार की प्राइसिंग। तो ये कार आपको कॉस्ट करती है 11,69,990 की एक्स शोरूम, एंड वहीं ऑन रोड आते आते जो इसके प्राइस हो जाते हैं वो हो जाते हैं 13,54,501। सो ऑलमोस्ट 13.5 लाख आपको देने पड़ेंगे अगर आप क्रिएटिव प्लस वेरिएंट की तरफ जाते हो। एंड आप देखते हैं कि क्रिएटिव प्लस में आपको फीचर्स क्या क्या मिल रहे हैं। सो क्रिएटिव प्लस में आपको मिल जाता है इसका न्यूली अपडेटेड इंफोटेनमेंट सिस्टम जो कि काफ़ी अच्छा है, एंड मेरे हिसाब से वर्थ इट है अगर आप इसके इस सिस्टम के लिए अगर आप जा रहे हो इस वेरिएंट की तरफ, तो बहुत ही अच्छा है। इसके अलावा भी आपको बहुत सारे फीचर्स इसमें मिल रहे हैं, जैसे कि इसमें आपको फ्रंट पार्किंग सेंसर्स मिल जाते हैं, इसके अलावा इसमें आपको 360 HD सराउंड व्यू सिस्टम देखने को मिलेगा, ऑटो हेडलैम्प, रेन सेंसिंग वाइपर एंड क्रूज कंट्रोल भी आपको क्रिएटिव प्लस से देखने को मिल जाएगा। तो जो लोग चाहते हैं एक फीचर प्रूफ कार लेना, जिसमें फीचर्स लोडेड कार लेना, वो मेरे हिसाब से क्रिएटिव ना लेके क्रिएटिव प्लस की तरफ जा सकते हैं। तो ये एक अच्छा ऑप्शन है क्रिएटिव प्लस में जाना। अदरवाइज़ मेरे हिसाब से जो वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट लग रहा है मुझे नेक्सॉन में, जितने भी वेरिएंट्स हैं वो प्योर लग रहा है मुझे, एंड प्योर की तरफ तो डेफिनेटली आप जा ही सकते हो। बात अगर उन लोगों के लिए आती है जिन लोगों को फीचर्स चाहिए, वो उन लोगों के लिए क्रिएटिव प्लस भी एक अच्छा ऑप्शन है। तो क्रिएटिव प्लस एस में आपको एडिशनल क्या मिल रहा है, क्रिएटिव प्लस एस में आपको मिल रहा है वॉइस असिस्ट सनरूफ एंड हाइट एडजस्टेबल, 2 फीचर्स आपको इसमें एक्स्ट्रा मिल रहे हैं। बट इसके लिए आपको पे करने पड़ेंगे 14,12,000, जो कि मेरे हिसाब से काफ़ी ज़्यादा है, एंड
मेरे हिसाब से तो मेरे को ये वेरिएंट इतना नहीं जमा और मुझे नहीं लगता कि 14 लाख खर्च करने चाहिए आपको इस वेरिएंट की तरफ। बात करते हैं इसके टॉप वेरिएंट फेयरलेस की, तो फेयरलेस आपको कॉस्ट करता है 14,46,000 ऑन रोड एंड फेयरलेस से ही आपको ड्यूम टोन के ऑप्शन मिलने लग जाते हैं। बात करें इस वेरिएंट में मिलने वाले फीचर्स की, तो फेयरलेस में आपको सिग्नेचर LED टेल लैम्प का ऑप्शन देखने को मिलेगा विद वेलकम एंड गुड बाय फीचर। इसके अलावा इसमें आपको इनका न्यूली इंट्रोड्यूस इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखने को मिलेगा एंड इसके इंफोटेनमेंट सिस्टम के साथ साथ आपको 4 स्पीकर एंड 4 रोटेटर का ऑप्शन भी इसमें मिलेगा। लेदर रैप स्टीयरिंग व्हील आपको मिल जाएगा, साथ ही साथ हाइट एडजस्टेबल का फीचर आपको ड्राइवर सीट एंड को ड्राइवर सीट दोनों में मिलेगा। फीचर्स तो काफ़ी कुछ है इसमें बट प्राइसेस भी काफ़ी ज़्यादा हो जा रहे हैं मेरे हिसाब से। एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग मेरे हिसाब से नेक्सॉन पे आपको अबाउ 14 इसकी प्राइसेस जा रही हैं, तो मुझे नहीं लगता कि इतना पैसा लगाने की ज़रूरत है। आपके पास और भी ऑप्शंस खुल जाते हैं इतने अमाउंट पे, बट हाँ अगर फीचर्स आपको चाहिए कार पे तो आप इस वेरिएंट की तरफ जा सकते हैं। एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग यार मैं इसके आगे के वेरिएंट कवर नहीं कर रहा बिकॉज मुझे लग रहा है वो कहीं ना कहीं ओवर प्राइस है एंड मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा उन वेरिएंट्स की तरफ जाने के लिए। इसके अलावा अगर आप जाना ही चाहते हो, उतना अमाउंट खर्च करना चाहते हो, तो आपके पास और भी बहुत सारे ऑप्शन हैं। तो इसके अलावा नेक्सॉन के पूरे वेरिएंट्स में जो वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट्स मुझे लगता है वो लगता है इसका प्योर वेरिएंट। आप मेरी बात से एग्री करते हो या नहीं करते हो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसको लाइक करना ना भूलें एंड आपका एक सब्सक्राइब जरूर बनता है यार, ये हमें बहुत मोटिवेट करता है कि वीडियो बनाने के लिए। तो मैं मिलता हूँ आपसे ऐसी ही किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए बाय।